गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी एंड मेरे साथ डॉक्टर आयुष पारिक हैं। हेलो। अब बात कर रहे हैं हम गुरुनीति 43 एपिसोड की। इस 43 एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एंडोक्राइन का है। वो जैसा कि लास्ट गुरुनीति में हमने देखा था, मोस्ट ऑफ द पार्ट नर्वस सिस्टम का डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड अदर सिस्टम से किस तरीके की मिक्स्ड अप्रोच जो थी वो हमने डिस्कस की। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम और उसकी मिक्स्ड अप्रोच डिस्कस करेंगे। जी सर, बिल्कुल। तो इसी कड़ी में सर, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस यही हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस गुरुनीति का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। तो सर ये कुछ हमें पेयर्स दे रखे हैं हॉर्मोन्स के, डिजीजेस भी हो सकती है, सोर्स भी हो सकता है, तो हमें देखना है कि गलत कौन सा है। जी, इनकरेक्टली मैच, यहाँ पर हमें स्टार मार्क करना है कि हमसे ये इनकरेक्ट पेयर पूछा है ना सर। तो पहला दे रखा है इंसुलिन और डायबिटीज मेलाइटस का, तो ये तो पेयर सही हो सकता है क्योंकि इंसुलिन के अगर हम लोग देखें हाइपोसिक्रेशन से डायबिटीज मेलाइटस डिजीज हो सकता है। हम कह सकते हैं इंसुलिन की कम अमाउंट यदि होगी जी, तो ऐसे केस में डायबिटीज मेलाइटस, और डायबिटीज मेलाइटस में होगा क्या, इंसुलिन कम है तो ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोज में ये जो बीटा सेल्स है ये नहीं कर पाएंगे। जी सर, इट मींस ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हमारी बॉडी एक लेवल तक उसको रिटेंशन करेगी, जो इंक्रीज अमाउंट है वो अब यूरिन में आना शुरू हो जाएगी। इट मींस ग्लूकोज कहां पर आ रहा है, यूरिन में आने। ऐसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया के नाम से हम लोग सर इसको जानते भी हैं जी। और अगर हम इसमें ब्लड ग्लूकोज टेस्ट भी करवाएंगे तो हमें हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन देखने को मिलेगी जी। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन तो यहां पर करेक्ट हो गया है ना, हमें इनकरेक्ट पूछा है जी, और क्वेश्चन के हिसाब से ही गलत हो गया हमारा आंसर, ये नहीं होगा जी। ग्लूकागोन बीटा सेल्स, ये ग्लूकागोन जो है अल्फा सेल से रिलीज होता है। हम बात करें बिल्कुल अल्फा सेल, आपने बताया कि अल्फा सेल से सीक्रेट होगा जी। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में डिफरेंट टाइप की सेल है जी सर, अल्फा बीटा गामा या डेल्टा या पीपी सेल, पीपी सेल, तो उनमें ग्लूकागोन का जो सोर्स है जी वो कौन सा है, अल्फा सेल। अभी हमने देखा बीटा सेल तो किसका है, इंसुलिन का सोर्स है। इट मींस ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, हम कह सकते हैं यही हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि इनकरेक्टली मैच पूछा। अच्छा है, सही है। फिर आगे देख लेते हैं सोमेटोस्टैटिन डेल्टा सेल्स, ये भी सही बात है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये रिलैक्सिन का सीक्रेशन बता रहा है। हाँ, रिलैक्सिन का सीक्रेशन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, रिलैक्सिन का सीक्रेशन करेगा, एस्ट्रोजन का भी कर सकता है स्मॉल अमाउंट में, और लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन का भी और रिलैक्सिन का भी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्टली मैच हो गया। तो सही आंसर जो, क्योंकि इनकरेक्टली पूछा था इसलिए इनकरेक्ट पेयर केवल एक ही है हमारे पास, सही आंसर हमारा सर सेकंड ऑप्शन हो जाता है जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सर। मैच द सोर्स ग्लैंड विद इट्स रेस्पेक्टिव हार्मोन एज वेल एज इट्स फंक्शन। तो अब हमें सर क्या करना है कि सोर्स ग्लैंड हार्मोन और फंक्शनल ग्लैंड यहाँ पर दे रखी है, तो हमें क्या करना है कि मैच करवाना है, यानी कि हमें कुल मिला के सही वाला पेयर इनमें से सेलेक्ट करना जी। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले यदि यहाँ से बात की जाए जी, एंटीरियर पिट्यूटरी है और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन उससे रिलेशन है, बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी जी। हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन का जो फंक्शन है यहाँ पर ये तो करेक्ट है जी, यूट्रस की मसल जो है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, लेकिन इसका जो सोर्स है वो रॉन्ग है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, गलत मान लेंगे जी। फिर यहीं से आप आगे देख लेते हैं थायराइड का, थायरोक्सिन इसने सोर्स बता रखा है जी, बट फंक्शन गलत दे दिया सर। ऐसे में कैल्शियम रेगुलेशन कैल्सिटोनिन करेगा और पैराथायरॉयड हार्मोन करेगा जी, और हम ये कह सकते हैं कि यहां पर थायराइड से अटैच जो पीटीएच है या थायराइड की पैराफोलिकुलर सेल है वो कैल्सिटोनिन रिलीज करेंगे, या पीटीएच जो है पैराथायराइड से रिलीज होगा वो इसको रेगुलेट करेगा, तो यहां पर ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया सर। फिर कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी वर्ड है स्टूडेंट्स, प्रेगनेंसी, तो अगर देखें सर सपोर्ट प्रेगनेंसी करने वाला हार्मोन तो प्रोजेस्टेरोन होता है, इट मींस ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें सर फंक्शन गलत हो गया जैसे था इसमें गलत हुआ था जी। अब फर्स्ट में पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी पश्चपीयूष वैसोप्रेसिन, और बिल्कुल सही इसका फंक्शन भी PDH, एंटीडायुरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वैसोप्रेसिन कहां पर काम करता है, हमारे डीसीटी जो हो गया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हो गए मेनली, तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्टल ट्यूब्यूल डीसीटी पार्ट में
और इसका मेन फंक्शन क्या है, नेफ्रॉन से वाटर को रीअब्सॉर्प्शन करवाना, जो वाटर चैनल्स होते हैं उन्हें ओपन कर देता है। अगर देखा जाए तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी इसका सोर्स नहीं है, नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको स्टोर करके रखेगा, जबकि इसका सोर्स तो हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई में। इसको करेक्ट मानेंगे हम जी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन सर हमारा इसके रिगार्डिंग सही आंसर हो जाए। जी जी, नेक्स्ट पे चलते हैं सर। फिर गिवन बिलो इज द इनकम्प्लीट टेबल है सर ये, अबाउट सर्टेन हार्मोन, देयर सोर्स ग्लैंड एंड वन मेजर इफेक्ट ऑफ ईच ऑन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द थ्री ब्लैंक्स। कुल मिलाकर सर ये हमें थ्री ब्लैंक्स दे रखे हैं, ए बी और सी, इनकी रिगार्डिंग हमें यहां पर मैचिंग करनी है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। ये डैश है यहां पर, कुछ भी नहीं है मैच। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर सी जो है जी, सी क्या होना चाहिए, ओवर सिक्रेशन लीड टू गिगेंटिज्म, जिसका मतलब हम कह सकते हैं ये ग्रोथ हार्मोन को रिप्रेजेंट करेगा। जी सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर रख देते हैं, ग्रोथ हार्मोन को रिप्रेजेंट करेगा जी, ग्रोथ हार्मोन। सी जो है वो क्या होना चाहिए सर? सी हमारा देखा जाए तो जो सीक्रेशन है तो क्या होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन होना चाहिए, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज भी होता है, जिसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते कहते हैं हम। बिल्कुल सही बात है, सी का मैच ग्रोथ हार्मोन से फोर्थ ऑप्शन में एक नहीं है, सिंगल शॉर्ट आंसर मिल जाता है बच्चों को। हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और फिर भी अदर भी हमें चेक करना, क्योंकि इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होगा। ए दे रखा है सर ग्लैंड, सीक्रेशन डैश है, एस्ट्रोजन मेंटेनेंस ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हम कह सकते हैं कि यहां पर जो एस्ट्रोजन है जी, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन, लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, लेकिन जिसमें से एस्ट्रोजन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा, करता है। और ये देखिए तो सर, ये जिस ग्लैंड से है तो हमें गोनाइड्स में फीमेल में ओवरी जो है, बिल्कुल ओवरी से इसको मैच करवाएंगे। दूसरा इसका ऑप्शन वो भी करेक्ट हो सकता है कि यदि हम एड्रिनल कोर्टेक्स की बात करें तो उसमें भी सेक्स कोर्टिकॉइड रिलीज हो सकता है, तो या तो एड्रिनल कोर्टेक्स का इनर पार्ट सही होगा या फिर ओवरी सही ओवरी सही। दोनों में से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया, क्योंकि सर फोर्थ ऑप्शन की रिगार्डिंग हमारी मैचिंग हो रही है, तो फोर्थ ऑप्शन की रिगार्डिंग ओवरी यहां पर दे रखा है, तो एक हमारा क्या हो गया सर, ओवरी हम लोग इसको लिख देते हैं जी, सी हमने जीएच लिख ही दिया। और ओवरी में अगर एस्ट्रोजन का लोके अगर हम देखें तो ये जो हमारी थीका इंटरनल सेल्स जो है जी, वहां से रिलीज होता है जी। अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस, अभी डिस्कस किया सर अल्फा सेल, जहां पर हमने ये देखा था कि इनकरेक्टली मैच, और उसको हमने करेक्ट करके देखा था कि वहां पर अल्फा सेल्स होनी चाहिए। अल्फा सेल जो है वो किसको रिलीज करेगी, ग्लूकागोन को, या फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुआ था जी, तो ऐसे में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो वो कौन करेगा, ग्लूकागोन करेगा सर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जो है उसे प्रमोट करता है जी। तो इसके रिगार्डिंग सर अगर हम सही आंसर देखते हैं, तो क्योंकि पहले ही हमने देख लिया था, तो फोर्थ जो है हमारा एज इट इज सही हो जाता बिल्कुल। फिर हम लोग देखें सर the 24 hour diurnal rhythm of the body such as the sleep wake cycle is regulated by the hormone, ye humne sir pehle bhi isko dekh rakha hai aapmt 2011 mein us question ko pucha gaya tha, yadi humse koi puchta hai biological clock ki baat kare ji, ya fir humse koi ye puchta hai ki biological rhythm mein biological clock mein kya hai, sleep wake cycle, वेकअप साइकिल, ये भी इसी से रिलेटेड होगा जी, या फिर हम कह सकते हैं स्लीप वेकअप साइकिल का मतलब 24 आवर रिदम, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में यदि ये देखा जाए तो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करने के लिए, तो मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है, और फीमेल बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ये इस तरीके से रिदम को यदि डिस्टर्ब कर रहा है तो हम कह सकते हैं फीमेल बॉडी के अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल से भी रिलेटेड ये हार्मोन है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक की या स्लीप वेकअप साइकिल की या 24 आवर रिदम की बात की जाए तो हमारी बॉडी में ब्रेन का एक पार्ट है पीनियल ग्लैंड के नाम से, जिसे हम कह सकते हैं पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी, पीनियल बॉडी ये फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है जी, फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब हम ये कह सकते हैं कि इस पीनियल बॉडी का सिक्रेशन क्या होगा, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन
क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका सिक्रेशन क्या है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि हमारी बॉडी में 24 आवर ग्लैंड का काम किसने किया, किसने किया, यानी कि यहाँ पे पीनियल ग्लैंड भी पूछ सकता था या फिर इसका सिक्रेशन इसने जैसा पूछ लिया जी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछता है सर कि कई बार ये कहता है कि इसका प्रीकर्सर कौन है, प्रीकर्सर कौन है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है। तो कैल्सिटोनिन है, सीरोटोनिन है, इसका प्रीकर्सर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, तो ट्रिप्टोफैन हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर जी सर कि इसका प्रीकर्सर जो है ट्रिप्टोफैन। सेरोटोनिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह जो एक्ट करता है उसका भी प्रीकर्सर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। तो सर इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो क्वेश्चन पे हमें हार्मोन पूछा है तो मेलाटोनिन सर इसका सही आंसर साफ पता चल रहा है हमें जी, क्योंकि अभी आपने बताया कि पीनियल बॉडी का जो सिक्रेशन है वो मेलाटोनिन होता है बेसिकली। तो फोर्थ ऑप्शन सर मैं लगा देता हूं, है ना जी, करेक्ट आंसर यहां पर हमें फोर्थ ऑप्शन मिल जाता है AFMT 2011 का क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सर चलिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द हार्मोन आर द एग्जांपल of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor inside, mostly in the nucleus. यानी कि receptor cell के अंदर मौजूद। इसका मतलब intracellular receptor की बात कर रहा है। और आपने जैसा कि डॉक्टर आयुष पारिक सर आपने फर्स्ट गुरुनीति में ये बताया भी था एक लीनियर डायग्राम के फॉर्म में कि कौन से ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर पर बाउंड ना करकर सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली इंटीरियर पोर्शन में चले जाएंगे और वहां पर जीनोम के पास जाकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। बिल्कुल सर, यहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में रिसेप्टर किसके पास है, न्यूक्लियस के पास। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा जी। सेल मेम्ब्रेन पर बाउंड करने वाले प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं, अमीनो एसिड नेचर के हो सकते हैं। डायरेक्ट यदि एंटर कर रहे हैं इसका मतलब वो स्टीरॉइड नेचर के हम मैच करवाएंगे इसका। तो सर पहला इसमें दे रखा है सोमाटोस्टैटिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है यहां से मुझे एक हिंट मिल गया कि ये तो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड के फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं ये तो मेम्ब्रेन से बाउंड करेगा। तो इसका रिसेप्टर तो कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर भी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन सर कुछ सही सा लग रहा है मुझे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ये भी स्टीरॉइड है और कोर्टिसोल ये भी स्टीरॉइड है। बिल्कुल, इसको अभी हम करेक्ट मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट इंसुलिन आगे देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन है जी। यहां पर 51 अमीनो एसिड का सीक्वेंस है तो इट मींस ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया सर। फिर वापस इंसुलिन आ गया, इट मींस ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। किसी को इंसुलिन की भी जानकारी है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं सर, कि इंसुलिन जो है वो इंसुलिन का यूज वहां पर और वहां पर सीक्वेंस भी दिया गया है, अल्फा सीक्वेंस, बीटा सीक्वेंस, सी पेप्टाइड। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि इंसुलिन क्या है, वहां पर पेप्टाइडिक नेचर का है। तो यहां पर भी पेप्टाइड, यहां पर पेप्टाइडिक और ऑक्सीटोसिन, तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन और ये तो हो ही नहीं सकता। तो सर सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाता है। इस क्वेश्चन में अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन से होते हैं जिनको सेकेंडरी मैसेंजर बनाने की रिक्वायरमेंट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सेकेंडरी मैसेंजर की यह रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली यही अंदर जाकर मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल सर, तो इसलिए यदि प्रोटीनियस नेचर के होते तो वो यहां से अंदर जा नहीं सकते, सर इस गेट पर उसको मैसेज देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बताया, लिपिड की सॉल्युबिलिटी जो है वो इसको प्रभावित करती है, प्रोटीन अंदर नहीं जा पाता। तो सर सही आंसर इसका सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, व्हाट इज द करेक्ट टू से अबाउट हार्मोन एक्शन इन ह्यूमंस, यानी मानवों में हार्मोन क्रिया के विषय में क्या कहना सही है। अभी जैसा जो क्वेश्चन डिस्कस किया है सेम उसी से रिलेटेड एक्शन की बात की जाए जी, और करेक्ट की बात जी। करेक्ट, तो एक्शन में दो ही तरीके के हम मान के चले, ब्रॉडली क्लासिफाई करें कि प्रोटीन रिलेटेड कोई भी हार्मोन है तो वो मेम्ब्रेन पे बाउंड करेगा, और कोई भी स्टीरॉइड नेचर का है तो वो न्यूक्लियस पे। तो इन दो को ब्रॉडली क्लासिफाई करके हम ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं, क्या इस तरीके की कोई ऑप्शंस मिलते हैं तो हमारा आंसर उसी से सेटिस्फाइड हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, इन फीमेल्स FSH फर्स्ट बाइंड्स विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। जी देखिए यहां पर दिया गया है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जितने भी हार्मोन हाइपोथैलेमस के हैं जी, जितने भी हार्मोन पिट्यूटरी के हैं उनका रिलेशन कहीं ना कहीं अमीनो एसिड ग्रुप
या फिर हम कह सकते हैं प्रोटीन नेचर से, वो डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर बाइंड करना पड़ेगा, सेकेंडरी मैसेंजर बनाना पड़ेगा। मतलब उनके लिए कैसा रिसेप्टर चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर चाहिए। इसमें फीमेल में FSH बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये नहीं है सेल के बाहर, बाहर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, या इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो FSH प्रोटीनियस नेचर में आ गए बिल्कुल, और ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से काम करेगा। इट मींस ये ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट। FSH stimulates the secretion of estrogen and progesterone. नहीं, ये estrogen और progesterone को stimulate नहीं करेगा, बल्कि इसका काम तो सर follicleogenesis है। जी, follicles को stimulate करना, primary follicle, secondary follicle। और अगर बच्चे थोड़ा देखेंगे progesterone आ गया, मतलब corpus luteum के कारण हो रहा है, और CL बनाने वाला तो LH है। जी, तो इसका भी वो सीधा relation भी है। LH stimulate करेगा corpus luteum को, जब graafian follicle से बनाएगा, means graafian follicle को rupture करवाएगा। Rupture करवाएगा सर। रिक्वायरमेंट होगी। और आप देखिए सर, फर्स्ट ऑप्शन इसने एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसको लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया। जी, डायग्राम था ना सर, उसको लैंग्वेज बना दिया इसने, बस इतना ही किया है। ग्लूकागॉन इज सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स। आप देखो, इस तरीके का क्वेश्चन 3 times पूछा जा चुका। जी, एक इनकरेक्टली मैच में भी पूछा गया था, एक फिलिंग द ब्लैंक में पूछा था, और अब पूछ रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बार बार बहुत जरूरी। और ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे सर, इसका मीनिंग भी यही है कि कहीं ना कहीं बच्चे आत्मा समझ जाएं, टॉपिक की आत्मा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल जो जो भी उसके अंदर छिपा हुआ है, हाँ, वो सब चीजें समझ। एक बहुत मोटिवेशनल व्यक्ति को मैं सुन रहा था, तो उसने कहा था कि टॉपर वो नहीं है जो सब पढ़ लेता है, टॉपर वो है कि जिसे पता होता है कि क्या छोड़ना है हमें। बिल्कुल, सिलेक्टिव अप्रोच काफी जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि समय बहुत कम होता है, फिजिक्स पढ़नी है पूरी, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच बच्चों आपको ध्यान रखनी है। सर, अब ग्लूकागॉन को इसने बीटा से निकलवा दिया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और फिर थायमोसिन इज स्टिमुलेटेड विद एजिंग, एजिंग, तो ये तो गलत, एज बढ़ रही है, तो जिस व्यक्ति की एज बढ़ रही है, थायमस इम्यून पावर से रिलेटेड है। हाँ, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है, क्योंकि अगर हम एडल्ट में देखें तो एक धागे की तरह थायमस ग्लैंड हमें दिखाई देता है। और यही वो रीजन है कि हमारे अंदर अगर जैसे HIV में हम देखें तो बी लिम्फोसाइट्स खत्म हो जाती है, तो नई मैच्योर नहीं हो पा रही, क्योंकि अब एडल्ट में थायमस ग्लैंड ही कहीं ना कहीं जी एब्सेंट है। इट मींस एजिंग के साथ में स्टिमुलेट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। तो सर, फर्स्ट ऑप्शन पे हमें आंसर करेक्ट मिल गया, बिल्कुल ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते सर। Which of the following represent the action of insulin? Insulin तो मेरे को लगता है पैनक्रियास सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और हर लगभग हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ही कवर हो रहा है। जी, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ग्लाइकोजन। ऐसे में हम ये कह सकते हैं, अभी बार बार आपने भी बताया है कि इंसुलिन की एक्शन क्या है, इंसुलिन की एक्शन क्या है, कि हम कह सकते हैं जो ये ग्लूकोज है इसको किसमें कन्वर्ट कराना है, ग्लाइकोजन में। इसका मतलब ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करना है, कम करना है, और ग्लाइकोजन को बढ़ाना है सर। तो इस तरीके का यदि ऑप्शन हमें मिल जाता है, वही क्या होगा, करेक्ट, सही होगा। पर ये तो गलत बोल रहा है कि ये इंक्रीज बता रहा है, इट मींस क्योंकि हमें तो क्या करना है, एक्शन, सही एक्शन बताना है। बिल्कुल, ये तो डिक्रीज करता है, तो गलत हो गया सर। इंक्रीज वापस इसने ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करा दिया। हम देखो, ऑप्शन भी एक यदि हमें पता है, फर्स्ट ऑप्शन में भी इंक्रीज है, सेकंड में भी इंक्रीज है, और फोर्थ में भी इंक्रीज है। ये इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, तीनों में। इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक कारक, हाइपोग्लाइसेमिक है, कम करता है। जी जी, ब्लड के ग्लूकोज को कम करने का फंक्शन। बिल्कुल, तो डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज हमारा आना चाहिए, है ना सर। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन, जैसा आपने अभी ये फ्लो चार्ट में आपने डायग्राम में बताया। तो सही आंसर भी सर इसका थर्ड ही हो जाएगा। जी, थर्ड सर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं सर। नॉर एपिनेफ्रिन, बिल्कुल, यानी कि नॉर एड्रेनलिन भी सर मैं इसको लिख दूं तो गलत नहीं होगा, क्यों? जी, और इसकी एक्शन हम 2 से 3 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं गुरुनीति में, कि ये जो पार्ट है ये किससे रिलेटेड है, ये ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स से रिलेटेड है, फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। इस तरीके का मीन्स स्ट्रेस कंडीशन,
इसका मतलब इमरजेंसी सिचुएशन से कहीं ना कहीं ये संबंधित है, तो इमरजेंसी हार्मोन रिलीज हो रहा है। और सर एड्रिनल ग्लैंड की या सुप्राग्रिनल ग्लैंड की मेडुला पार्ट से होता है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं ये इसका एड्रिनल का पार्ट है, एड्रिनल का पार्ट है सर। यहाँ से ही नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। अब इसने नॉरएपिनेफ्रिन लिख दिया खाली, आगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव सेड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाँ, यहाँ पर इनकरेक्ट भी पूछ सकता है और करेक्ट भी, करेक्ट। अब हमें करेक्ट बताना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे फटाफट ये पढ़ के इसके आधार पर अपने हिसाब से आंसर जज कर देते हैं। एक लाइन से नीचे लिख दी, इसको ये ऊपर भी लिख सकता था जी, तो ये थोड़ा देखने वाली बात है। फर्स्ट सर ए बता रहा है इज रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स। सिंपैथेटिक फाइबर हमने पहले भी डिस्कस किया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एड्रिनल मेडुला को स्टिम्युलेट करता है। इट मींस ये स्टिम्युलेट होगा जी, हार्ट बीट इंक्रीज होगी, तो ऐसे केस में सिंपैथेटिक फाइबर से रिलीज होगा, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाता है, करेक्ट करेक्ट हो जाता है। इट इज रिलीज्ड बाय पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स। सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, इट मींस ये काम कर रहा है तो ये नहीं करेगा, इट मींस ये रॉन्ग हो गया। और सर इवन सिंपैथेटिक फाइबर्स में देखिए तो यहां पर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी ये वर्क करते हैं जी। सिंपैथेटिन जो है वही एपिनेफ्रिन की तरह काम करता है, क्योंकि वहां पर एड्रिनर्जिक फाइबर है जो एड्रिनलिन को रिलीज करेगा या नोरएड्रिनलिन को रिलीज करेगा। और पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स में न्यूरोट्रांसमीटर देखिए तो एसिटाइल कोलीन। अब यदि एक बात और भी दिमाग में आती है, कई बार बच्चों के कंफ्यूजन होता है कि एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन देखने में एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इनकी एक्शन अपोजिट नहीं, एक्शन अपोजिट नहीं है। एक ही पॉइंट की दूसरा पॉइंट फॉर्मेशन में रिएक्शन में एक ही जगह पर एपिनेफ्रिन बनता है और उसके बाद नोरएपिनेफ्रिन इस तरीके से बनता है। सही बात है सर। तो दीज आर नॉट द एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक नाम से ऐसा लगता है कि नोरएपिनेफ्रिन आ गया है ना इसलिए। फिर सर सी जो बोल रहा है इंक्रीज द हार्ट रेट। बिल्कुल, जब ऐसे केस है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली हार्ट रेट तो इंक्रीज होगी। बिल्कुल सर, इट मींस ये सी स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट करेक्ट हो गया सर। डिक्रीज द ब्लड प्रेशर जी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हमने ऑप्शन देखे तो हमारे को दो ऑप्शन करेक्ट मिल गए, क्योंकि सभी में दो दो ऑप्शन दिए हैं, तो अब आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, जब हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो बीपी डिक्रीज नहीं होगा, ये भी इंक्रीज होगा, इट मींस ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो कहीं ना कहीं सर जिसमें मुझे ए मिल जाए और सी मिल जाए वो सही हो जाएगा, ऐसा मुझे सर सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट करेक्ट हो जाएगा सर, है ना। तो नेक्स्ट पे चले सर जी। नीट 2013 का सर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट एंडोक्राइन सिस्टम के रिगार्डिंग सही है जी। एडिनो हाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। गलत बात हो गई सर, एडिनो जो है वो, एडिनो का मतलब हम यदि डायग्राम की फॉर्म में देखें, आपने बनाया भी था सर ऐसा डायग्राम एक बार पहले, इस तरीके से यदि देखें तो यहां से ये जो कनेक्टेड है, यहां पर पोर्टल सिस्टम कनेक्टेड जी, और यहां से न्यूरॉन जो है वो न्यूक्लियर की फॉर्म में डायरेक्ट कनेक्ट हो, डायरेक्ट कनेक्ट। तो पोस्टीरियर को तो क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको क्या बोले, एडिनो। तो ये इसके कंट्रोल में है, बट डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, पोर्टल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल है, तो हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रेगुलेशन में इसको कंट्रोल तो करेगा। हाँ। लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल वो होता है कि यहाँ के न्यूरोन डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए, पर यहाँ तो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम मौजूद है जी। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल जो पोर्टल सिस्टम है उसका काम ये है कि यहाँ के सीक्रेशन को यहाँ पर लाए और इसको यहाँ से कोरिलेट करे। अब जिनको थोड़ा पोर्टल सिस्टम में कंफ्यूजन है, कहने का मतलब सर क्या हो कि किसी एक ऑर्गन से ब्लड को ले जाने का काम वेन्स करती हैं, और ले जाने का उनको देना किसको है, हार्ट को देना है जी। पर अगर वो अपना काम भूल जाएं, किसी एक ऑर्गन से ब्लड लें और किसी दूसरे ऑर्गन को दे दें, तो ये पोर्टल सिस्टम मिडवे की तरह, मिडवे की तरह हमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाना है, मीन्स हार्ट ने सप्लाई किया ऑर्गन को और ऑर्गन से हार्ट के पास आना चाहिए था, लेकिन हार्ट से ऑर्गन के पास जाकर डायरेक्ट हार्ट में ना आकर किसी दूसरे ऑर्गन में आ जाए और फिर वापस आ, जैसे कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इंटेस्टाइनल जो वेन्स हैं उनको हार्ट में ब्लड ले जाना चाहिए था, पर वो क्योंकि लीवर में जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा मेटाबॉलिज्म में लीवर इन्वॉल्व है, तो वो पहले लीवर को देती है जो भी चीज आती है उसके पास। ऐसी रीनल पोर्टल सिस्टम जो हमारे अंदर तो नहीं है, तो हमारे अंदर दो तरीके की पोर्टल सिस्टम है, हेपेटिक पोर्टल और हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल। ये एडवांस
जो वर्टिब्रेट है उनके अंदर मौजूद होता है। और सर इनका दूसरा नाम भी देखिए तो एडिनो हाइपोफाइसिस का जो अदर नेम हो जाएगा वो पार्स डिस्टेलिस और इसका है पार्स नर्वोसा। तो फर्स्ट ऑप्शन सर गलत हो गए जी, बिल्कुल डायरेक्ट वर्ड के कारण ही गलत हो जाए जी। ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हार्ट किडनी एंड लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन। लीवर के यदि बात की जाए तो एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करता है। किडनी की बात की जाए तो इरिथ्रोपोएटिन रेनिन। हार्ट की बात की जाए तो एएनएफ। और ये तो कह रहा है कि कोई प्रोड्यूस ही नहीं करता, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है जी। जीआईटी से भी काफी सारे हार्मोन सीक्रेट हैं जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है जी, फर्स्ट नोन हार्मोन है हाँ। वही जीआई ट्रैक्ट से तो ये स्टेटमेंट भी सर गलत हो गया। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज एन इंटरसेलुलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन। बिल्कुल सर, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है ये, और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन भी यही है जी। तो ये सर हमारा सही है। Releasing and inhibitory hormones are produced by, ये गलत हो गया, ये hypothalamus होना चाहिए था हाँ, तो pituitary दे दिया इसलिए गलत हो जाता है। तो सर सही आंसर हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन जी, क्योंकि इसने करेक्ट पूछा है, आपने उसको मेंशन भी किया है। इसी में एक gastrointestinal tract से इंफॉर्मेशन और दे देते हैं हम बच्चों को कि gastrointestinal tract से different type के hormone है, उनमें से यदि endocrine system की बात की जाए तो endocrine system में जो labeled है उनकी बात करें हम, gastrin है जी, कोलेसिस्टोकाइनिन है, सिक्रेटिन है, सिक्रेटिन है, या हम कह सकते हैं जी आई ट्रैक्ट इनिबिटरी मींस एंटेरोगैस्ट्रोन जिसे गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से इससे भी जो हार्मोन पता लग गया, इससे पता लग गया, इससे पता लग गया, इससे भी, लेकिन यहां कह रहा है डू नॉट प्रोड्यूस, इसलिए स्टेटमेंट गलत हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, एनसीईआरटी की लाइन भी और डेफिनेशन जी। नेक्स्ट पे चले सर, अब टेबल बना दी है, सेलेक्ट दी आंसर। मैं कई देर से ये सोच भी रहा था कि टेबल क्यों नहीं आई अभी तक, नर्वस में भी नहीं थी, अब एंडोक्राइन में आ गई। सेलेक्ट दी आंसर करेक्टली मैचेस दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद दी हार्मोन इट सीक्रेट्स एंड फंक्शन डेफिशिएंसी। कुल मिला के सर एक तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन है, फंक्शन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है, और हमें यहां पर क्या पूछा है इसने, करेक्टली मैचिंग पूछी है, यानी सही कौन सा वाला दे रखा है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। अभी कुछ देर पहले यदि हम बात करें जो क्वेश्चन अभी हम मैच करवा रहे हैं सोर्स से रिलेटेड हाँ, तो वहां पर देखो ये फर्स्ट ऑप्शन देखो सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन दिया था दिया पर एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हाँ, जो हमने क्या किया था, रॉन्ग किया था, क्योंकि ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, रिलीज वहां से होगा, स्टोर हो रखा है इसलिए स्टोर, लेकिन बनाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी प्रकार के कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करती सर, तो ऐसे बनाया किसने है, हाइपोथैलेमस में, ये तो रॉन्ग हो गया। देखो इस ऑक्सीटोसिन का ये फंक्शन मैंने वहां पर बताया था जी, ये फंक्शन तो सही है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या होगी, गलत होगा, ठीक है सर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, ये भी रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। अभी बात कर रहे थे हम हाइपर सिक्रेशन है ग्रोथ हार्मोन का जो गिगेंटिज्म को शो करता है, लेकिन ये तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी करे, रॉन्ग हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती, ओवर सिक, ये फंक्शन तो सही है जी, ये गलत। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन लैक ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन द गोइटर। हाँ, ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि थायराइड थायरोक्सिन T4 की फॉर्म में रिलीज कर रही है, और यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारे को आयोडीन युक्त नमक जो खाते हैं, आयोडीन की यदि कमी हो जाए तो ऐसे में गोइटर या घेंगा, जिसमें आपने कुछ लोग ऐसे देखोगे जो माउंटेन पर रहते हैं पहाड़ी लोगों में, उसमें नेचुरल तरीके से क्या है, आयोडीन की कमी है, तो ऐसे में उनकी ग्रोथ जो होती है, क्योंकि थायराइड कहीं ना कहीं ग्रोथ से रिलेटेड भी, तो उनकी हाइट कम होती है, और उनके जनरली ये डिसऑर्डर देखने को मिलेगा जिसमें ये थायराइड वाला पोर्शन है बड़ी वजह जी, बिल्कुल। और सर इसके लिए एक टर्म हम लोग काम में लेते हैं, क्योंकि वो लोकलाइज्ड है एक सर्टेन एरिया तक, तो इसके लिए वर्ड यूज होती है एंडेमिक गोइटर, बिल्कुल एंडेमिक गोइटर भी बोलते, क्योंकि माउंटेन एरिया में क्या होता है सर, हिल पार्ट है, स्लोप्स होते हैं, तो वहां पर रेन के कारण जो भी आयोडीन होता है
वो फ्लो कर जाता है रिवर्स के थ्रू, और वहीं इसका उल्टा जो समुद्री यानी कोस्टल एरियाज में रहते हैं वहां पे हमें गॉइटर बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि वो जनरली सी फूड कंज्यूम करते हैं और वहां पर सॉल्टेड वाटर ऑलरेडी है, ऑलरेडी उसमें आयोडीन भी प्रेजेंट है। तो एंडेमिक वर्ड ऐसे ही, अभी जैसे पेंडेमिक चल रहा है तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोई डिजीज हो तो पेंडेमिक हम कह सकते हैं, और एक लोकलाइज पर है तो एंडेमिक, और एपिडेमिक जो फैले तेजी से, कोई डिजीज किसी एरिया में फैलने लगे तो एपिडेमिक। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी सर इम्यूनिटी से जुड़ी हुई। कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन बता दिया, कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन नहीं करेगा क्योंकि फीमेल में है, ये मेल का हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन तो रिलीज करने के लिए इंटरस्टिशियल सेल्स है, हाँ, जो टेस्टिस के अंदर है, टेस्टिस के अंदर मौजूद है, तो वो रिलीज करेंगे और स्पर्मेटोजोआ मींस ये और ये लगभग हर किसी में सही है, हाँ, मींस हार्मोन और फंक्शन तो सही है, पर लेकिन उसकी ग्लैंड जो है, हाँ, उससे मिसमैच है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन की मैचिंग गलत है। और बहुत ही, ये वैसे फीमेल और मेल की बात है तो बहुत ही तो सबसे पहले नजरों में आना चाहिए, गलत हो जाना चाहिए था। तो कुल मिला के सर सही मैचिंग, सही आंसर थर्ड हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द हार्मोन विथ इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। आपको ऐसा नहीं लग रहा सर ये ज्यादातर सोर्स फंक्शन पे ये कंसंट्रेट कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपको उस ग्लैंड के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, उसके सोर्स का मतलब है ग्लैंड की आइडेंटिफिकेशन, उसके फंक्शंस पता होने चाहिए, और ये यदि आप किसी भी एक ग्लैंड के लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकते, आपको सभी ग्लैंड्स पढ़नी पड़ी तभी आप उसका सोर्स और फंक्शन पता लगा पाएंगे। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, क्या ये पॉसिबल है मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड और ग्रोथ और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से? ऑक्सीटोसिन तो रिलीज तो हो सकता है क्योंकि वहां स्टोर हो रखा है, लेकिन वो ग्रोथ और मेमोरी ग्लैंड के इससे रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इससे रिलेटेड तो क्या होना चाहिए? ईस्ट्रोजन होना चाहिए जो कि फीमेल का सेक्सुअल हार्मोन है। इसका ये काम तो करता है मेमोरी ग्लैंड पे, पर इन लैक्टेशन में काम करता है, हाँ, वो अदर फंक्शन, हाँ, दुग्ध स्त्रावण की जो प्रक्रिया है जो संकुचन करवा रहा है स्मूथ मसल्स में, हाँ, वो काम है मैं कह सकता हूँ मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन तभी कहते हैं सर। तो करेक्ट पूछा है तो मैं इसको गलत कर देता हूँ सर क्योंकि ये सही नहीं है। मेलेटोनिन जैसा अभी आपने बताया भी था, पीनियल ग्लैंड ये भी सही है, रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। इट मींस ये जो ऑप्शन है ये 100% करेक्ट है क्योंकि मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी का है और ये नॉर्मल बॉडी का रिदम रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अभी बात कर रहे थे हम फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल है ना कि प्रोजेस्टेरोन, तो ये भी क्या हो गया? एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर वेंट्रिकुलर वॉल इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ANF जी, एट्रियल न्यूट्रियूरेटिक फैक्टर, न्यूट्री मींस सोडियम, सोडियम ऐसा फैक्टर है जो सोडियम को यहां से निकाल देगा, जी सोडियम को निकाल देगा और ये एक वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है यहां वैसोडाइलेटर की तरह काम करेगा। तो आप बताओ जब वेसल्स डायलेट हुई है तो ब्लड प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? तब तो कम होगा ये कह रहा है कितनी बार हम नाम ले चुके ट्रिपल एफ यहाँ पर दो ही एफ दिए हैं, हम एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा डिस्कस कर चुके हैं तो अब ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, फाइट फ्लाइट और फियर जी। The parathyroid glands leading to increased metabolic rate. अब ये भी ध्यान रखना है, कई बार इसमें स्टेटमेंट सही हो सकता है पर हमें यहाँ पर इनकी रिएक्शंस के अकॉर्डिंग देखना है। जब भी ऐसी रिएक्शंस जनरेट हो रही है तो इसका मतलब इमरजेंसी सिचुएशन की बात हो रही है, तो हमें इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट नहीं दिख रहा। The kidney leading to the suppression of renin angiotensinogen aldosterone pathway. ये भी फाइट और फ्लाइट रिएक्शन नहीं है, सिचुएशन नहीं। The adrenal medulla leading to the increased secretion of epinephrine and norepinephrine. जी, कहीं पर भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए तो वो डायरेक्टली आपको क्या कहना चाह रहा है कि ट्रिपल एफ से रिलेटेड बात करें, तो आप सीधा एड्रिनल मेडुला पर जाएं और इन ऑप्शन में केवल एक में एड्रिनल मेडुला है, तो बाकी सभी ऑप्शन क्या हो गए रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन क्या है?
करेक्ट हो गया। इनमें ऐसी क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट सही हो पर आपसे यहाँ फाइट और फ्लाइट की बात की है तो हमें फालतू के ज्ञान देखने की जरूरत है ही नहीं। ए केमिकल सिग्नल्स दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल, ऐसा ही क्वेश्चन नर्वस सिस्टम में भी, बिल्कुल, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम का भी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन एंडोक्राइन का भी है और नर्वस सिस्टम का भी है। और वहां पर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दोनों में रोल करने वाला जो है वो क्या है, एपिनेफ्रिन, जो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है और हार्मोन की तरह, और ये एक टाइरोसिन डेरिवेटिव है, तो एमिनो एसिड डेरिवेटिव भी है। जी सर, नेक्स्ट सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर, इट मींस कहीं ना कहीं ग्लूकोज वर्ड जरूर होना चाहिए। इंसुलिन, इंसुलिन बिल्कुल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो ये तो है, ये तो हो जाएगा, ट्रू। ग्लूकागोन ये भी है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। कोर्टिसोन, कोर्टिसोन है, कोर्टिसोल है, ये जितने भी हार्मोन है ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड है, तो ये भी है। एल्डोस्टेरोन जो है जी, ये एल्डोस्टेरोन ये एक मिनरलोकोर्टिकॉइड है। इट मींस ग्लूकागोन भी ट्रू था, इंसुलिन भी ट्रू है, कोर्टिसोल भी ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, ये मिनरलोकोर्टिकॉइड। जी सर, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के सही आंसर जो हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसने सर क्या पूछा है, नॉट इन्वॉल्व पूछा है, तो ये मिनरल्स को, हाँ मिनरल्स से रिलेटेड, और ये बाकी जो है शुगर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ हो जाएगा। जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स थ्रू सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड, यानी बनते कहाँ हैं और रिलीज कहाँ पे होते हैं। हाँ, अब कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि हमारी मास्टर ग्लैंड जो है वो हमने बताया था पहले भी कि मास्टर ग्लैंड को हमने मान रखा है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी हेड मास्टर, हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन तो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी प्रकार के हार्मोन नहीं बनाती, तो वो स्टोर कर सकती है इसके, बिल्कुल सर, लेकिन बने कहां पर है, हाइपोथैलेमस। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मास्टर ग्लैंड की भी बात कर रहा है, इस मास्टर ग्लैंड में भी स्पेसिफाई है कौन सा पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, या इसी को हम बोल सकते हैं पार्स नर्वोसा या न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। जी बिल्कुल सर, तो इसके रिगार्डिंग सर अगर मैं देखूं जी, तो प्रोलैक्टिन की बात कर रहे हैं, ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी का, हाँ, तो ये तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। एमएसएच ये मिडल पिट्यूटरी का, मिडल पिट्यूटरी का, पार्स इंटरमीडिया का जो है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच है, ये एडीएच ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो सकता है लेकिन बना कहां है, हाइपोथैलेमस। इट मींस ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का है, इट मींस ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो कुल मिलाकर के सर सही आंसर हो जाता है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका अदर नेम वैसोप्रेसिन, इसी को वैसोप्रेसिन भी या इसी को पिट्रेसिन भी बोलते हैं। इसके अलावा यदि ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन होता, तो ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन होता जी, तो वो भी सही होता, सही होता, क्योंकि ये भी सर स्टोर्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हो रहा है पर बन हाइपोथैलेमस में हो रहा है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडीएच किसने बनाया, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और ऑक्सीटोसिन पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये भी हाइपोथैलेमस में है और ये भी हाइपोथैलेमस में है, बिल्कुल सर जी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक। हाँ बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि एक दूसरे का अपोजिट इफेक्ट जो होता है वो होता है एंटागोनिस्ट जी, और इसने दिया भी है जबकि उसको नहीं बताना चाहिए था कि एंटागोनिस्ट क्या है, ये बच्चे को खुद को समझना चाहिए। हाँ, तो अब आप मैच करवा सकते हैं सर, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन की बात करें तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, और कहीं ना कहीं ब्लड जो ग्लूकोज का जो लेवल है उसे राइज करेगा या कम करेगा, डिक्रीज करेगा। और ग्लूकागोन की बात करें तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा और ग्लूकोज तो मींस अप करेगा, काम तो कर रहे हैं अपोजिट एक दूसरे, बिल्कुल, एक है हाइपोग्लाइसेमिक, दूसरा है हाइपरग्लाइसेमिक जी। फिर एल्डोस्टेरोन और एएनएफ, एल्डोस्टेरोन ये जो है ये
सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा, ये सोडियम को बाहर निकालेगा, फिर रिलैक्सिन और इनहिबिन, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक एक्शन नहीं नहीं है सर। पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन ये भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, बोन में रीअब्सॉर्प्शन कैल्शियम का बढ़ाएगा तो एक बोन से बाहर निकालेगा। रिलैक्सिन इनहिबिन की जगह एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन भी दे देता तो भी आंसर सही होता, सही होता। इट मींस यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ये सर इनहिबिन का कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो रिलैक्सिन तो इनहिबिन जो है, इनहिबिन दो अलग अलग पार्ट से रिलीज हो सकता है जी। एक पार्ट इनहिबिन जो है वो सर्टोली सेल रिलीज करता हाँ। एक पार्ट ग्रेनुलोसा सेल रिलीज करती है, और दोनों का ही काम है कि ओवर एफएसएच सीक्रेशन होता है उसको इनहिबिट कर, इनहिबिट, इसीलिए वर्ड ये इनहिबिन बना है ना, इनहिबिट कर देना। यानी मेल में भी होता है, कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इनहिबिन मेल में भी सीक्रेट हो रहा है और फीमेल में भी हो रहा है, और एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देने का एक तरीके से ये काम करता है। तो सर सही आंसर भी हमारा वो हो गया था ना, रिलैक्सिन और इनहिबिन। चलिए चेंजेस इन GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ, अपने फीडबैक सिस्टम की नीति में फीडबैक की बात की थी एक जगह पर, कि इस तरीके से GnRH जो है ये कहां से रिलीज होगा, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग कहां से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से। हाँ बिल्कुल सर। अब हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी को जी, और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर डिफरेंट ऑर्गन को। लेकिन GnRH गोनेडोट्रोपिक, तो गोनेडोट्रोपिक गोनेड्स मेल के अंदर क्या होंगे, टेस्टिस, और फीमेल के अंदर क्या होंगे, ओवरीज। इसका मतलब यहां पर फीमेल की बात कर रहा है, फीमेल का, तो ओवरीज से रिलीज होने वाला हार्मोन यहां पर कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा, फोर्थ, क्योंकि यहां पर इनहिबिन है, यहां पर प्रोजेस्टेरोन ओनली है, यहां पर एस्ट्रोजन ओनली है। मेनली GnRH जो सिक्रेशन होगा हाइपोथैलेमस से, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, ये गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, वो ओवरी पे काम करेगा, ओवरी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कितना बना है जी, ज्यादा बना है तो वो उसको नेगेटिव फीडबैक कहीं ना कहीं दे देगा। और यही एक एक रीजन भी है कि जब प्रोजेस्टेरोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो उस दौरान ये अपने आप ही GnRH को इनहिबिट कर देगा, ताकि नई फॉलिकुलर साइकिल स्टार्ट ना हो, क्योंकि अभी बॉडी कहीं ना कहीं स्पर्म का वेट कर रही है, या फिर स्पर्म आ चुका है तो अभी वो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, जो यूट्रस है फीमेल बॉडी जो है ना सर, इसलिए भी हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं प्रोजेस्टेरोन का आना जरूरी है इसमें नेगेटिव फीडबैक। तो इसलिए सर सही आंसर क्या कर देते हैं हम, इसका फोर्थ ऑप्शन। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन हमें चुनना है, इंपॉर्टेंट वर्ड सर ये इनकरेक्ट है जी। LH triggers ovulation in ovary. तो LH trigger ovulation in ovary. LH जो है वो हम कह सकते हैं graafian follicle को क्या करेगा? Rupture करता है. Luteinizing hormone जो है. तो LH graafian follicle को rupture करेगा. एक साइड में secondary oocyte release होगी, दूसरी साइड में corpus luteum. तो ये statement तो correct है. Correct है sir. और incorrect पूछा है, तो ये अभी ये हमारा क्या हो गया? Correct statement है, question के हिसाब से हम false मान सकते हैं। ठीक है चलो, बच्चों कंफ्यूज होगा, हम इसको करेक्ट मान लेते हैं और हमें इनकरेक्ट पूछा है ना जी। LH and FSH decrease gradually during the follicular phase. नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फॉलिकुलर फेज में FSH नहीं होगा तो फॉलिकुलर फेज डेवलप कैसे होगा? हाँ, सही बात है सर। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया, यानी कि इनकरेक्ट हो गया, और यही हमसे पूछा है सर जी। तो सही हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो तो सेकंड है जी। LH triggers secretion of androgens from the leading cell. हाँ, LH triggers secretion of androgen. जो LH रोल है, LH का रोल है कि graafian follicle को rupture करना female के अंदर। Female के अंदर। लेकिन यहाँ पर male के अंदर क्या करेगा? Male के अंदर ये LH जो है, ये कहाँ पर काम करेगा? Interstitial cell पर। जी। इसी को LH को interstitial cell stimulating hormone भी कहते हैं males के अंदर। ICSH। जी, ICSH, interstitial cell stimulating hormone। interstitial cell को क्या बोलते हैं? Leading cell कहते हैं। वो testosterone androgen की form में release करवाएगा। तो ये भी क्या है? True statement। FHS stimulate the Sertoli cells, which helps in spermiogenesis। Spermio, ये word समझना जरूरी है। Non-motile का, motile में जो conversion है, तो certain factors है जो इसको यहाँ से इसमें कन्वर्ट करवाएंगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये कौन रिलीज करता है?
न्यूट्रिटिव सेल सर्टोली सेल्स, बिल्कुल। तो हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन जो है सर हमारा वो गलत हो जाता है, ठीक है। द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इनके प्रीकर्सर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डायरेक्टली मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का आंसर। इससे एक चीज याद भी आ रही है कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड मिल्क में पाया जाता है, तो सेरोटोनिन जो हार्मोन है ये कामनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कहीं ना कहीं नींद का जो है रात को दूध पीने से, जो लोग रात को दूध पीने की प्रैक्टिस जिनमें रहती है उनको साउंड स्लीप अच्छी नींद आती है, इसका रीजन सर यही कहीं ना कहीं है स्टेटमेंट का। तो फर्स्ट गलत हो गया था सर हमारा और फोर्थ आंसर उसका हो गया। विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट? पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बाइकार्बोनेट को भी और पैनक्रियाटिक जूस को भी स्टिमुलेट कर रहा है, तो या तो वो ऐसा होना चाहिए CCKPZ कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाटिक जाइमोजन, या फिर क्या होना चाहिए सिक्रेटिन होना चाहिए जी। ये सिक्रेटिन तो क्या करवाएगा, बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाएगा। कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाटिक जाइमोजन है जी, ये क्या रिलीज करवाएगा, ये पैनक्रियाटिक जूस को भी रिलीज करवाएगा और गॉल ब्लैडर से जो सिक्रेट करेगा बाइल जूस उसको भी रिलीज करवाएगा। तो इसके रिगार्डिंग यदि हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो सेकंड सेकंड में मिल जाता है सर। फिर भी एक बार हम ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन जी। तो सर इंसुलिन तो हार्मोन हो गया जी, और जो गैस्ट्रिन का है ये भी एक तरीके का लोकल हार्मोन हो गया, पर ये काम गैस्ट्रिक जूस से, गैस्ट्रिक जूस से रिलेटेड है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन अभी हमने देखा जी, ये जो है हमारा इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हो गया और ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक हो गया, और एंजियोटेंसिनोजन एंड एपिनेफ्रिन। इसमें अभी एपिनेफ्रिन के हमने रेस्पॉन्स देखे थे जी, ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स के लिए, रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है सर जी। चलिए सर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ग्रेव डिजीज की बात करी है, ग्रेव डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू? ग्रेव डिजीज जो है वो थायराइड के हाइपर सिक्रेशन से रिलेटेड होती है, इट मींस यहां से थायराइड का ऑप्शन केवल एक ही दिया गया है, फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट रहता है सर। नीट 2016 में तो भरमार एंडोक्राइन क्वेश्चंस के। अब देखो आप, ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रू ग्लैंड नहीं बोलते, क्योंकि ये क्या करता है, केवल स्टोर करता है और किसी भी प्रकार के हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करता है, इसीलिए इसको स्यूडो ग्लैंड भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं इनमें इस तरीके का ऑप्शन कहां दिया हुआ है सर? ये अगर हम पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शंस, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है यहां पर, करेक्ट करेक्ट हो जाता है। और इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस? नहीं, हाइपोथैलेमस से तो डायरेक्ट रेगुलेशन है, इस वजह से इसको ये नॉट ट्रू नहीं बोल रहे हम। हाँ, इट मींस किस वजह से बोल रहे हैं कि ये केवल स्टोर और रिलीज करता है, करता किसी है, भी हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करता, नहीं करता। स्टेटमेंट तो ये भी सही है लेकिन उसने कहा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रू ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों नहीं बोला जी, क्योंकि अगर हम रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस में देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहीं ना कहीं है जी, तो वो तो ट्रू ग्लैंड हो गई। इट सीक्रेट्स एंजाइम, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इट इज प्रोवाइडेड विथ ए डक्ट, नहीं ये एंडोक्राइन है तो डक्ट तो वहां पर, हाँ क्योंकि एंडोक्राइन तो है बट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, और ये दोनों तो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड की कहीं ना कहीं बात है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट? मुझे लगता है कि सर ये क्वेश्चन जो था इसमें काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे बच्चों के लिए, एक बार इसको पढ़ना अच्छे से जरूरी था बच्चों को। ए टेंपरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, काफी टेंपरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है पार्ट टाइम के लिए बने और फिर उसके बाद में वो डिसोसिएट हो जाए, ऐसे में फीमेल बॉडी के अंदर कार्पस ल्यूटियम है जो पार्ट टाइम के लिए फंक्शन करती है, बाकी तो सभी जो ग्लैंड है ये परमानेंट ग्लैंड है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन दी हाइट, बिकॉज हम कई बार ये बोलते हैं कि 18 साल की उम्र हो गई है, 20 साल की उम्र हो गई, इसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ग्रोथ हार्मोन है वो जहां पर काम करेगा वो जगह क्लोज हो गई होगी, उसको बोलते हैं एपिफाइजल प्लेट। तो एपिफाइजल प्लेट क्लोज होने से ऐसा होता है जी। लॉन्ग इस तरीके का यदि हम कोई ऑप्शन आइडेंटिफाई करें तो
जैसे अगर ये सर इस तरीके की कोई हमारी लॉन्ग बोन है तो यहाँ पर एपिफाइजल प्लेट हम लोग देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं बोन की लॉन्ग बोन में अलग अलग पार्ट है, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपिफाइजिस। एपिफाइजल प्लेट क्लोज होने से ऐसा होता है, इस तरीके का कोई ऑप्शन हमें मिल जाता है तो भी क्या होगा, करेक्ट सही हो जाएगा जी। एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज बिफोर एडोलसेंस, आफ्टर एडोलसेंस नहीं, हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर क्लोज आफ्टर एडोलसेंस, आफ्टर एडोलसेंट, इसका मतलब लगभग 12 से लेकर 18 ईयर की एज, तो हम ये मान रहे हैं ये एडोलसेंट एज है, इसके बाद में ये क्या हो गई है, क्लोज हो गई है, इसीलिए हाइपर सीक्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है यहाँ पर, करेक्ट हो जाता है सर। GnRH, a hypothalamic hormone needed in the reproduction, acts on. GnRH की बात हो रही है, hypothalamic hormone है जो कि reproduction में जरूरी है, तो ये कहाँ पे act करता है? Anterior pituitary gland and stimulate the secretion of LH and FSH. First में ही सर हमें सही answer यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि इधर posterior pituitary दे दिया, बल्कि ये काम तो anterior pituitary भी करता है, इधर भी posterior pituitary दे दिया। और फोर्थ ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन दे दिया, ये पोस्टरियर पिट्यूटरी का, तो ये सब क्या हो गए रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, हम बार बार बोल रहे हैं टायरोसिन डेरिवेटिव या ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एफरीन होगा। एक तरीके का एनटीआर है, टेबल याद रखनी जरूरी है बच्चों को। Which of the following hormone can play a significant role in osteoporosis? Osteoporosis का मतलब होता है sudden decrease in estrogen level female के अंदर यदि देखा जाए, तो हम कह सकते हैं osteoporosis calcium को regulate करने के लिए क्या क्या है, या तो estrogen के, या फिर parathyroid को, या फिर हम क्या कह सकते हैं calcitonin का, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन इससे रिलेटेड दिए गए हैं वो चेक कर सकते हैं, estrogen और parathyroid हार्मोन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है यहाँ पर, सही हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो हम लोग बेसिकली बोन्स इसमें ब्रिटल हो जाती हैं और बहुत जल्दी केस हो सकते हैं फ्रैक्चर के रिकॉर्ड, फ्रेगाइल टू ब्रेक, इजी वे से। ऑस्टियो मींस बोन, पोरोसिस मींस और क्रिएट हो गए हैं, तो कहीं अगर आप कहीं बॉलीवुड वाला पोज देते हैं गद्दे के ऊपर इस तरीके से गिरते हैं तो पता चला कि 2-3 बोन आपकी फिर फ्रैक्चर हो जाएगी अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है जी। मैच दी 2019 तक पहुंच चुके हैं, मैच दी फॉलोइंग हार्मोन्स विद दी रेस्पेक्टिव डिजीज, मैच करना है सर डिजीज के साथ हार्मोन का, तो इंसुलिन की मैचिंग में सर हम डायबिटीज मेलाइटिस कर सकते हैं, फर्स्ट में 5, थायरोक्सिन जो है सर गोइटर से रिलेटेड हो सकता है बिल्कुल, फॉर 4, फोर्थ कोर्टिकॉइड्स जो है वो अगर हम लोग देखें तो कोर्टिकॉइड हमारे एडिसन डिजीज से रिलेटेड हो सकते हैं, और ग्रोथ हार्मोन की हम लोग बात करें तो एक्रोमिगेल, तो सर कह सकते हैं 5, 4, 1 and 3, 5, 4, 1, 3, 5, 4, 1, 3, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या है करेक्ट, और थर्ड भी क्या हो गया इनकरेक्ट। नीट 2019 का क्वेश्चन है, हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेलुलर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं और स्टेरॉइड हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो स्टेरॉइड हार्मोन तो अभी हमने बात की थी डायरेक्टली सेल के अंदर जाएंगे, तो डायरेक्टली सेल के अंदर जाएंगे तो क्या सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी, यहां पर सेकेंडरी मैसेंजर ये भी सर साइक्लिक एएमपी सेल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर है, ये भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। चेंजिंग द परमीबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नहीं इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो डायरेक्टली एंटर कर रहा है, तो वो क्या करेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के पास बनाएगा, इट मींस जीनोम के पास बनाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ हो जाता है सर। 2020 का नीट का है, कोविड काल का जो नीट था उसका क्वेश्चन है ये, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट्स, पैनक्रियाटिक सेल और एडिपोसाइट पर, तो क्या आप कह सकते हैं कि पैनक्रियाटिक सेल और एडिपोसाइट पर, इन दो सेल पर काम करेगा, ये दो सेल पर काम करेगा तो करवाएगा क्या, हमें ये भी देखना पड़ेगा, तो पहले हमें ये देख लेते हैं कि इंसुलिन के फंक्शन क्या है, ग्लूकागोन के फंक्शन क्या है, कॉर्टिकॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, पहले एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं जी। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, जो इंसुलिन जो है वो हाइपो है, तो ये रॉन्ग हो गया जी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, क्योंकि हमें क्या करना है ग्लूकोज को बनाना है,
और ग्लूकागन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, ये रॉन्ग हो गया। और ये रॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि सर एडिपोसाइट्स के साथ वो मेनली हिपेटोसाइट्स पर काम करता है, हिपेटोसाइट्स पे काम करता है, पैनक्रियाटिक सेल्स पे तो ये उसी पे काम नहीं करता। पैनक्रियाटिक सेल से तो कहीं ना कहीं जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन निकलता है, सोर्स है इसका पैनक्रियाटिक सेल्स तो हम कह सकते हैं, पर मेन फंक्शन हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स। जी तो इसी वजह से हमारा सही आंसर जो सर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। ये भी नीट 2020 का तीन क्वेश्चन आया सर पिछले साल। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डिजीज वाला ये फेमस क्वेश्चन है इनका। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो सर पिट्यूटरी ग्लैंड से डायबिटीज इंसिपिडस हम लोग कह सकते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी वैसोप्रेसिन के हाइपोसिक्रेशन से, ADH के हाइपोसिक्रेशन से होगा। तो ए में लगा देता हूं मैं थर्ड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड से रिलेटेड हम बात करें तो ग्रेव फर्स्ट, ये हाइपरसिक्रेशन से होगा। और एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एडिसन जी फोर्थ, एडिसन ये सप्रेशन से होगा। पैनक्रिया डायबिटीज मेलाइटस तो हम कह सकते हैं इंसुलिन के डिक्रीज होने से होगा, तो ऐसे मैच करवा सकते हैं हम। थर्ड वन फोर्थ एंड टू, तो थर्ड वन फोर्थ एंड टू, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम बात कर रहे हैं ये गुरु नीति की, जिसमें 43rd एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं और नई साल आने से पहले हमने नर्वस और एंडोक्राइन के मैक्सिमम जो स्लॉट है वो कंप्लीट किए हैं। अब नई साल में एंटर करके हम दूसरे एपिसोड्स की बात करेंगे। एक और एपिसोड इसका बाकी है जिसमें हम लोग वापस अब मिक्स्ड फॉर्म में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर कहीं से रह भी गए होंगे एनसीईआरटी के तो उन क्वेश्चंस को और कुछ कॉन्सेप्ट जो अभी तक रह गए उनको हम लोग डिस्कस अब अगली क्लास में करेंगे। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, डॉक्टर आयुष सर की तरफ से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। जी ओके, थैंक यू।